जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। Dear student, I am going to start chapter number 3, Nationalism in India. Nationalism means राष्ट्रीयता। भारत के अंदर राष्ट्रीयता का उदय। वैसे ये राष्ट्रीयता शब्द आती है, देशभक्ति की जब बात आती है या देश के ऊपर कोई संकट आता है तो उससे हमारे भाव में एक उदासी छा जाती है। हम मिलकर के उसे खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं और उसी भाव को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। एक सामान्य एग्जांपल दूं, इमेजिन कर लो एक मैच चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब मान लो भारत बैटिंग कर रहा है और एक आधा कहीं विकेट गिर जाए, काफी बड़ा रन चेस करना है, काफी बड़े रन है, तो जैसे ही अगर मान लो बीच में विकेट गिरा तो हमारा मन उदास हो जाता है। और उसके बजाय यदि रेगुलर 2-3 सिक्स लग जाएं, ज़्यादा रन आए उस ओवर के अंदर और अच्छा कोई खिलाड़ी खेल रहा है और जीत के करीब आ रहे हैं, तो हमारा मन उल्लास से भर जाता है। उसके पीछे कारण हमारे में वो राष्ट्र के प्रति प्रेम है। ये भाव क्यों उत्पन्न हुए, ये फीलिंग्स हमारे मन में क्यों आई? ओनली द रीजन इज दैट फॉर, उसके लिए एक ही कारण था कि हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना की वजह से हमारे राष्ट्र के प्रति हमें हमारे भाव। अब हमारा जो देश गुलामियों से, सदियों से गुलामी अंग्रेजों के अधीन था, वैसे तो प्राचीन समय से हम अपने राष्ट्र के लिए हमारा जो हेरिटेज है उसमें हम देखते हैं कि हमारे राजा रजवाड़े जो भी थे अपने भाग के लिए लड़ते थे, अपने जो भी भाग, अपना देश, रीजन, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे, उसकी रक्षा करते थे। इवन हम महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं तो अपनी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए पृथ्वीराज चौहान ने भी लड़ाई लड़ी। या राणा सांगा की बात करें, हजारों ऐसे वीर शिवाजी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनमें अपने क्षेत्र, अपने धर्म के प्रति निष्ठा के भाव थे। इन सभी को पूरा करने के लिए, है ना, यहां तक कहा जाता है कि देखिए महाराणा प्रताप के जीवन की अगर हम बात करें तो उसमें एक शब्द आता है, गरे घासरी रोटी जद मन बिलावण, ले भाग्यो नान हो सो अमरियो, चिख पड़ियो राणारो सोयो, दुख जाग्यो मुँह लड़्यो गण्यो हूँ, सयो गण्यो में वाणी माण बचावण ने, मन पाछन नीरा की रण मा वेरियारो खोयो दुख जाग्यो। मेवाड़ों की आन और शान के लिए उन्होंने घास की रोटियां खाई, जंगलों में रहे, घास की रोटियां खा करके भी अपने राष्ट्र, अपना जो मेवाड़ राज्य था उस राज्य को मुगलों के चुगल से छुड़ाने के लिए या लड़ते रहे जीवन पर्यंत। तो ऐसा नहीं कह सकते थे कि हमारा जीव कि पहले हमें राष्ट्र के प्रति हमारी भावना, हाँ ये जरूर था कि ये जो राष्ट्र थे वो खंडित थे, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, कई प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे। तो अब हमारा देश जो है कुछ समय मुगलों, काफ़ी लंबे समय तक मुगलों की गुलामी में रहा, इसके बाद में यहाँ जो आया वो अंग्रेजों की गुलामी। अब
व्हाट इज द नेशनलिज्म। हमारा यहाँ जो चैप्टर की शुरुआत है वहाँ है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड, फीलिंग ऑफ प्राइड, हमें गर्व महसूस होना चाहिए, एंड यूनिटी टूवर्ड्स वंस नेशन, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा जो भाव है जिसमें हमें गर्व होना चाहिए और उसकी यूनिटी की होनी चाहिए। एक नेशन, इफ नेसेसरी, यदि जरूरत पड़े तो इट इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग बॉडी, हमारे जीवन का भी हम बलिदान कर दें, हम हमारे जीवन का बलिदान कर दें, बॉडी माइंड और वेल्थ जिसकी भी जरूरत पड़े, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के वेलफेयर के लिए अगर हम ये बलिदान कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, उसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं। केवल कहने और दिखावे से नहीं, मन से उसे दान भी करना चाहिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। कई ऐसी कहानियां हैं, लोगों ने अपने धन में से भी काफी धन दे करके राष्ट्र को बचाने के लिए वर्क किया। तो ये हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, मेवाड़ राज्य को बचाने के लिए भामाशाह नामक व्यक्ति ने अपने जीवन की पाई संपूर्ण संपत्ति राणा को दान में दे दी। लोगों ने युद्ध किए, अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो इस तरह यहाँ हजारों गाथाएं हमारे देश के अंदर, हम गाएं तो कम हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता का उदाहरण दिया है। नेशनल अवेयरनेस इन इंडिया एंड इट्स फैक्टर डेवलप्ड आफ्टर द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमारे देश के अंदर जो अवेयरनेस आई है, जिसे हम ये कहते हैं 1857 के रिवॉल्ट, जो हमारा पहला रिवॉल्ट हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, जिसकी शुरुआत 1857 में हुई थी, तब से शुरुआत कही जाती है। द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज सीन इन द यूरोप। अब ये सब देखो, यहाँ उधर से यूरोप के अंदर भी मॉडर्न जो नेशनलिज्म, तो फर्स्ट सीन इन द यूरोप, यूरोप के अंदर हमें देखा गया। वेरियस फैक्टर्स सच एज न्यू अवेकनिंग, अब भारत के अंदर भी एक न्यू जागृति प्रोड्यूस हुई, रिलीजियस रिफॉर्म हुए। देखो कई चीज़ें हम एक देश में देख करके दूसरे, देखो कई कारण जो से फैक्टर्स वर्क करते हैं कि हमारे देश के अंदर ये राष्ट्रीयता के भाव का उदय क्यों हुआ। तो कई बार हम क्या करते हैं, कई चीज़ें एक देश से देख करके दूसरे देश सीखते हैं, दूसरे देशों से सीखते हैं। तो यूरोप के अंदर उसमें राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होते, अपने देश के प्रति वे लोग मरने और मिटने के लिए तैयार थे। फिर इसके अतिरिक्त हमारे जहाँ पे बड़ा जो है अवेकनिंग आई, हमारे एजुकेशन बढ़ा, हमारे यहाँ रिलीजियस रिफॉर्म हुए, इन सभी ने अराइजिंग द नेशनलिज्म, सपोर्ट इन अराइजिंग नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल खेला। अमेरिका ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसमें इम्पोर्टेंट रोल खेलते हैं, भारत के अंदर अवेयरनेस के लिए। यूनियन ऑफ इटली, जर्मनी प्लेड द इम्पॉर्टेंट इन प्रोपोगेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर देखिए उस समय इटली और जर्मनी जैसे देश इम्पोर्टेंट रोल खेलते थे। ये हमारे भारत के लिए इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल खेला, क्योंकि देखिए यहाँ उन लोगों ने जर्मनी का एकीकरण किया, इटली का एकीकरण किया, एक हुए और लड़ने, विश्व के सामने लड़ने के लिए तैयार हुए। तो उनकी इस राष्ट्रीयता के भाव को देखकर भारत के अंदर भी हमें प्रोड्यूस हुआ। देर आर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत के अंदर ब्रिटिश रूल था। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्वाइंटेंसेस विद द ब्रिटिशर्स, चेंज वर सीन इन द इंडियन पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स। भारत के अंदर अंग्रेजी शासन, और अंग्रेजी शासन होने की वजह से यहाँ के पॉलिटिकल फ्रेम में भी डिफरेंस आया।
पॉलिटिकल के अंदर सोशली चेंज आया, एजुकेशनली हमारे में परिवर्तन आया, रिलीजियस वे से, इकोनॉमिक फ्रंट, सभी तरीके से हमने परिवर्तन देखे। वेरियस जो फैक्टर क्रिएटिंग मॉडर्न नेशनलिज्म एरोज इन इंडिया, वी फेल नीड अवर ओन रूल इन इंडिया कंट्री लाइक सेल्फ रूल। देखो अभी मॉडर्न वे से जो अवेयरनेस की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, उसके पीछे मुख्य कारण मॉडर्न वे से मतलब हमारा सेल्फ रूल हो, भारत का अपना खुद का रूल हो जिससे उत्पन्न हुई सेल्फ रूल एंड द थॉट स्प्रेड इन मच इन एजुकेटेड। जो सबसे ज्यादा ये विचार जो फैले वो एजुकेटेड लोगों में फैले, इंटेलिजेंट पीपल के अंदर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के अंदर जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय देखो एजुकेशन बढ़ा, एजुकेशन के बढ़ने से एजुकेटेड लोगों के अंदर जागृति आई, जो इंटेलिजेंट लोग थे। द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अरोज इन मच ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों में नेशनल स्पिरिट, केवल मतलब कहने का नेशनल यूनिटी की फीलिंग बढ़ने लगी। और अब नाउ हम जो फैक्टर्स हैं उसके लिए है ना, हमारे देश के अंदर जो नेशनलिज्म के फैक्टर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला वाला फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, न्यूज़पेपर एंड मैग्निफिशेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया। दीज आर द फैक्टर हु प्ले द वाइटल रोल इन द इंडियाज राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म। भारत के अंदर नेशनलिज्म अवेयरनेस या राष्ट्रीय अवेयरनेस जो आई है हमारे देश के अंदर, राष्ट्रीयता के भाव जो उत्पन्न हुए हैं उसके पीछे कारण कौन कौन से हैं, तो वापस से जाना विच फैक्टर वर्क, उसके अंदर देखिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, न्यूज़पेपर, मैग्निफिशेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया। दीज आर द फैक्टर विच वर्क, जो हमारे लिए वर्क करते हैं राष्ट्रीयता के भाव। अब उसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया आवर कंट्री लैक्ड ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। देखो हमारा अंग्रेजों की शासन से पहले, अंग्रेजी शासन से पहले हमारा भारत देश के अंदर एक कमी थी और वो थी यूनिटी की, लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी। कोई एक बड़ा राजा नहीं होता था, अलग अलग भागों में बटे हुए थे, छोटे मोटे कई राज्यों में बटे थे। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्टेट्स, छोटे मोटे भागों में बटा हुआ था भारत। द ब्रिटिशर्स हैड डिफीटेड मेनी किंग्स एंड एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या किया था कि कई हमारे यहाँ के राजाओं महाराजाओं को हरा करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली थी। अंडर द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड, और अंग्रेजों के दिन यह नई तरह की शासन व्यवस्थाएं। ओवर द एक्सपीरियंस ऑल एक्सपीरियंस ब्रिटिश रूल वॉज नॉट कंड्यूसिव, बिसाइड्स मेनी अदर रीजन्स लीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब ये जो हमारे लिए हितदायी नहीं थी, हमारे लिए बेटर नहीं थी, कई जो व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों के द्वारा शासन हमारे अनुरूप नहीं थी, हमारे अनुरूप नहीं थी, और इसलिए ये बिसाइड्स द मेनी अदर रीजन, कई अदर रीजन के साथ साथ एक कारण बने वो पॉलिटिकल रीजन्स, इनसे बचने के लिए हमने हमारी यूनिटी स्टार्ट की। और स्लोली दिस प्रोटेस्ट टर्न इनटू अग्रेसिव, हमने इसका विरोध शुरू किया और एक नए बड़े परिवर्तन में बड़े रूप में आ गया, बिकम मोर पावरफुल, बहुत ही पावरफुल बन गया। तो इस तरह पॉलिटिकल, फर्स्ट हमने जो रीजन पढ़ा पॉलिटिकल रीजन था, दूसरा इकोनॉमिक, इंडिया वॉज रोइन ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। देख भारत हमारा जो देश था वो कैसा था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत आगे थे, यहाँ ऐसा का दूध और घी की नदियां बहती थी, संपन्न राष्ट्र था। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से हमारी यहाँ की जो इकोनॉमिक
खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। द ब्रिटिश टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन फिनिश्ड एंड मैन्युफैक्चर गुड्स वर सोल्ड इन इंडियन मार्केट। अब अंग्रेजों ने जो नीति रखी उसमें यहाँ से वे रॉ मटेरियल जो कच्चा सामग्री हमारे भारत में से ले जाते थे उसे मैन्युफैक्चर कर करके यहाँ इंडिया में हाई कॉस्ट के ऊपर उसे बेचते थे। अब ये इससे द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड ऑफ केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड वॉज नेलिजिबल, जहाँ ड्यूटी टैक्स वगैरह वो भी बिल्कुल बहुत ही कम थी। और वाइल कॉमोडिटीज मैन्युफैक्चर इन इंडिया हैड टू पे मोर ड्यूटी, भारत में बनी हुई वस्तु को ज़्यादा ड्यूटी पे करना मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जबकि फॉरेन से आने वाली वस्तु को पेमेंट ड्यूटी टैक्स नहीं देना होता था। और ये इंडियन जो गुड्स थे भारत के मार्केट में जो भारत की वस्तुएं महंगी होने लगी और एक्सपेंसिव होने लगी, उसके कंपैरिजन में फॉरेन की जो वस्तु थी वो हमें सस्ती मिलने लगी। द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड कुड बी सोल्ड एट लो प्राइस इन इंडिया, जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस हो रही थी ऐसी वस्तुएं कम प्राइस पर भारत में बेची नहीं जाने लगी। कंपेरिजन में हमारी वस्तु ड्यूटी टैक्स की वजह से ज़्यादा कीमती होने लगी। उसकी वजह से इन द कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट कॉटन इंडस्ट्री इंडिया को नॉट सस्टेन देमसेल्फ, भारत अपने आप को इस कॉम्पिटिशन में खड़ा नहीं रख पाया। एज ए रिजल्ट द आर्टिशंस क्लास बिकेम अनएम्प्लॉयड, जो भी आर्टिस्ट क्लास थे जो आर्टिस्ट लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज मेक इंग्लैंड प्रॉस्परस, और ब्रिटिश पॉलिसी ने इंग्लैंड को तो प्रॉस्परस बनाया लेकिन भारत को की प्रॉस्परिटी कम हो गई। द नेशनल अवेयरनेस अरोज इन द पीपल ऑफ इंडिया, और इसी बात का विरोध से भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, दे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल, काफी बड़ा देश है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अवर कंट्री, है ना। देयर वर लैक ऑफ द ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब से हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ी पीपल गो वन प्लस टू आना होता, पीपल एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगे। इस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की वजह से भी हमारे यहाँ अवेयरनेस प्रोड्यूस हुई। द रेलवे टेलीग्राफ पोस्टलैंड एंड वाटर रूट्स वेर डेवलप इन इंडिया, भारत के अंदर ये सभी रूट डेवलप हुए। मिलिट्री इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजन, स्टिल इट हैज सम एडवांटेज ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए कुछ एडवांटेज रहा। ड्यू टू स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ दिस फैसिलिटीज पीपल केम टू क्लोजर टू ईच अदर। अब बड़ा बेनिफिट क्या हुआ इस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बढ़ने से, लोग क्लोज आने लगे, पास में आने लगे, एक दूसरे की निकटता बढ़ी। पीपल कम टू नो टू ईच अदर, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने लगे। ड्यू टू इंक्रीज कम्युनिकेशन द डिमार्केशन ऑफ कास्ट कम्युनिटी एंड रीजन बिकेम लेस, क्षेत्र के अंदर जो भेदभाव था जाति के धर्म के आधार पर भेदभाव था वो कम हुए। द नेशनल लीडर कुड स्प्रेड देयर थॉट एंड प्लान्स, जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे उनके विचारों को भी फैलाए गए। एंड मोर अराउंड देम लीडरशिप वॉज बिल्ट इन एट अ नेशनल लेवल इंस्टीट ऑफ द रीजनल लेवल, पहले जो हमारा लीडरशिप जो थी वो केवल रीजनल थे लेकिन अब धीरे धीरे इस कम्युनिकेशन के बढ़ने से नेशनल लेवल पर लीडर बनना तय हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ, एंड दिस गेव द नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अचीविंग ऑफ द स्वराज्य, और इस स्वराज्य को प्राप्त करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल खेला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिटरेचर एंड एजुकेशन। देखो एजुकेशन, पहले लोगों में एजुकेशन नहीं होने की बहुत बुरी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से पब्लिक कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। राजा केवल जो सत्ता समझते थे, लेकिन जैसे जैसे एजुकेटेड हुए लोगों ने वहाँ के साहित्य आउटसाइडर्स जो विदेशों के साहित्य को पढ़ा तो उसमें से भी उनको कई प्रेरणा का सूत्र बने।
द राइज ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल ऑल्सो ओव्स टू क्रेडिट टू इंग्लैंड इंग्लिश एजुकेशन. इंग्लिश एजुकेशन भी हमारे लिए एक लिटरेचर का कारण बना. द डोर्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर ओपन ड्यू टू द एजुकेशन. एजुकेशन की वजह से हमारे यहाँ वेस्टर्न के डोर खोले. मोस्ट ऑफ लिटरेचर वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ज़्यादातर जो लिटरेचर था वो इंग्लिश में था. द पीपल ऑफ अवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, भारत के लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा को साहित्य को पढ़ा. बिकम फेमिलियर विद द रिसेंट ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसी स्थिति चल रही है उसके बारे में उसने समझा. दज वी वर इंस्पायर्ड बाय फ्रीडम इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन. इसके अतिरिक्त देखो हमारे यहाँ जो भी विश्व के अंदर कई तरह के जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन हो उनके बारे में हमने पढ़ा. हम वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन. फेथ ऑफ वन सेल्फ इंक्रीज इन द पीपल ऑफ इमेजिन ब्राइट फ्यूचर ऑफ फॉर इंडिया. लोगों के दिमाग में हमारे ब्राइट है ना चमकती तस्वीर नजर आने लगे. एजुकेशन की वजह से हमको बड़ा बेनिफिट हुआ. वेरियस नॉवेल्स हमने पढ़े, एक्ट पढ़े, स्टोरीज पोएम सॉन्ग वर रिटन इन अवर रीजनल लैंग्वेज एंड रिटन लिटरेचर गेव द मैसेज टू नेशनल यूनिटी एंड डिवोशन. और इस साहित्य ने देखो इनकी देखो जहाँ ब्रिटिश साहित्य जो के साथ साथ हमारे यहाँ की जो लिटरेचर है उसके भी उसे भी एक प्रधान मतलब उसे इम्पोर्टेंस मिली, उसकी भी एक प्रधानता मिली है ना. और इसकी वजह से हमें कई स्टोरियों के माध्यमों से कहीं ऐसे एक्ट के माध्यम से हमें हमारी जागृति उत्पन्न हुई. इसके बाद न्यूज़पेपर ऑल्सो प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. न्यूज़पेपर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेला. तो न्यूज़पेपर मेड द वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्प्रेडिंग नेशनल अवेयरनेस. देखो नेशनल अवेयरनेस को बढ़ाने में है ना हमारी नव जागृति को बड़ा करने में न्यूज़पेपर का भी इंपॉर्टेंस रहा, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या तो हमें समाचार मिल जाते थे. ठीक है, वाइटल द न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम बंगाल मुंबई मद्रास एंड अदर एरियाज क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. इन न्यूज़पेपरों ने क्रिटिसाइज की थी ब्रिटिश की पॉलिसीज को एंड अवेकन द नेशनलिज्म फीलिंग्स जिसमें राष्ट्रीयता की भावना उदय हुई एंड हर्ट्स ऑफ द पीपल. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट मैग्निफिशेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ की जो शानदार जो हमारा हेरिटेज है एंशियन आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम एंड असिस्टेंस डिड द स्पेड वर्क ऑफ मैनी एंशियंट प्लेस. देखो हमारे यहाँ का आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम और उसके असिस्टेंट्स ने हमारे यहाँ एंशियंट प्लेसेस के बारे में अपना वर्क किया. द डिस्कवर मैनी फोसिल्स डिपिक्टिंग द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर. भारत की संस्कृति के कई खोज की गई जो हमें हमारे यहाँ की प्राइड गर्व हमें महसूस कराती है. इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक भगवान लाल इंद्रजी ऑल्सो डिस्कवर्ड द मैनी फोसिल्स मेड ऑफ इंडियन फील्स प्राइड ऑफ मैग्निफिशेंट कल्चर. देखो यहाँ भगवान लाल इंद्रजी ने भी यहाँ हमारे ऐसे कोई फोसिल्स वगैरह को उन्होंने पाया और जो हमारी मैग्निफिशेंट कल्चर की बात बताता है. द स्कॉलर्स फ्रॉम वेस्ट ट्राई टू लॉट अबाउट द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड इंडियन स्कॉलर्स आर एसोसिएटेड विद देम इन सर्च. अब इसकी खोज में भारतीय भी ऐसे कई लोग साथ हुए और मेनी बुक वर ऑल्सो रिटन. कई तरह की पुस्तकें लिखी गई. ऑन अकाउंट ऑफ द लिटरेचर एंड वेरियस रिसर्च डन देर एरोज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. और ये सभी जो हमारे इस ज्ञान ने हमारे राष्ट्रीयता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल खेला. तो स्टूडेंट्स हमारे अवेयरनेस के लिए 5-6 पॉइंट्स है. पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन लिटरेचर एंड एजुकेशन न्यूज़पेपर मैग्निफिशेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो इस तरह से आपने आज नेशनलिज्म का मीनिंग और उसके जो फैक्टर्स पढ़े. राइट दिस क्वेश्चंस उनके नोट्स यहाँ तक लिखें. जय श्री स्वामीनाथ.